नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। लोकसभा चुनाव का पारा हरियाणा में चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी जनसभा में कहा कि 2019 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का चक्रव्यूह जरूर तोड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। लोकसभा चुनाव का पारा हरियाणा में चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा में कहा कि 2019 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का चक्रव्यूह जरूर तोड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर के परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। असीम गोयल ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि एक जमाना होता था जब कांग्रेस हिट फिल्म की तरह होती थी, टिकटें ब्लैक में बिकती थी, लेकिन अब इनका डिब्बा बंद हो चुका है। इनके मल्टीप्लेक्स भी बंद हो चुके हैं। असीम गोयल ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता बड़े बड़े का घमंड तोड़ देती है। 2019 में इनका घमंड तोड़ा था, तो इसे लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस के अंदर टिकट देने का जो मामला है, पहले कांग्रेस को ये लगता था कि अकेली एक पार्टी कांग्रेस रेस के नाते दौड़ती थी पुराने समय में, और अकेली कांग्रेस ही जीत जाती थी। और टिकट के ऊपर जिस तरह एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट मूवी होती है, ब्लैक के अंदर भी जो टिकटें बिकती थी कभी कांग्रेस का वो हाल था। आज कांग्रेस के मल्टीप्लेक्स भी खाली पड़े हैं क्योंकि इनकी फिल्म के अंदर कोई दम ही नहीं रहा, ना इनके किरदारों में दम है, ना इनकी स्टोरी में दम है, ना जिस तरह नीति में, ना नेता में, नियत में, किसी चीज़ में दम नहीं है। ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी को रोहतक के लोगों ने जिताया भी है, और अगर एक बार हरा भी दिया तो हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, घमंड तो साहब किसी का, जैसे उन्होंने कहा बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे, तो घमंड तो कभी किसी का रहता, घमंड आपने किया तो आपका भी जनता ने तोड़ दिया। वहीं हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के प्रचार पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई है, जिसे लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा और संस्कार है, उन संस्कारों और मर्यादा से नीचे नहीं गिरना चाहिए। व्यक्ति क्या सोचता है ये उसके शब्दों में प्रदर्शित होता है। ये मुंहफट लोग हैं जो पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग ने हर व्यक्ति के लिए एक सीमा निर्धारित कर रखी, और चुनाव आयोग ना भी करे, हर व्यक्ति की अपनी मर्यादा संस्कार है, और आदमी को अपने उन संस्कारों से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये संस्कार आपकी सोच को बताते हैं, आप क्या सोचते हो वो आपके शब्दों में परिलक्षित होता है। तो चलो, चुनाव आयोग के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, और भविष्य में भी जो ऐसे मुंहफट लोग हैं या जो केवल एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगेगी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल राहुल गांधी को अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी। परिवहन मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी से अपना घर तो संभल नहीं रहा, ये नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनता देख अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सीटों की चिंता करें, मोदी जी की चिंता इस देश का हर भारतीय कर रहा, विदेशों में बैठा भारतीय कर रहा। मोदी जी के लिए, मोदी जी की गारंटी के लिए हर एक भारतीय आतुर है। राहुल गांधी जी अपने घर की चिंता करें, उनसे अपना घर नहीं संभल रहा तो वो दूसरों की चिंता ना ही करें तो अच्छा है। मेरा मानना है कि राहुल जी थोड़ा, जो तीसरी बार मोदी जी के आने की वजह से राहुल जी जो इस समय अपना अनाप शनाप चीजें कर रहे हैं और अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे, अपने घर की चिंता करें। कनीना हादसे के बाद सरकार ने स्कूल बसों पर नियमों की पालना के लिए नकेल कसी है।
लेकिन ओवरलोड ऑटो और छात्र छात्राओं को लेकर आने जाने वाले अन्य वाहन अब भी नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, जिसे लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि हाल ही में उच्च अधिकारियों के कई स्कूलों से जुड़े लोगों से मॉनिटरिंग हुई, जिसमें स्कूलों से जुड़े वाहनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। देखिए, सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नाते हमने कल हमारे जो विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्कूल के कुछ पदाधिकारी भी बुलाए थे कुछ स्कूलों के, और ऑफिसर्स के साथ बहुत लंबी एक मीटिंग हुई है, और उसके अंदर हमने तीन तरह के जो हैं तय किए हैं, जो स्कूलों द्वारा खुद के द्वारा खरीदे गए चलाए भी जा रहे हैं, या किसी वेंडर से उनका संपर्क है, या बिल्कुल ही जो पेरेंट्स के नाते अपने तरीके से जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ हायर करके, स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे तीन तरह के जो हैं ट्रांसपोर्ट के मीडिया के नाते बच्चे आ रहे हैं, तो उन तीनों को हमने इसके अंदर जो है रिव्यू किया है, और बड़ी जल्दी इसके अंदर हम कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर सबको कानून के दायरे में लाने का काम करेंगे। वहीं असीम गोयल ने आगे कहा कि जिस स्कूल से चलाए जा रहे वाहन स्कूलों के किसी अन्य वेंडर से संचालित था, या अभिभावकों के खुद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन, इन सभी को लेकर बेहद जल्द ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और सभी को कानून के दायरे में लाएंगे। अम्बाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।